अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर हम बड़े और लंबी साइज़ के आलू लेंगे और इसके अलावा हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च, नमक हसबे ज़रूरत और काली मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह पे चाट मसाला भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें चाहिए हमें फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू के इस तरह से स्लाइस काट लेंगे। और फिर हम इन स्लाइसों को इस तरह से लंबाई में काटेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। तो इस तरह से हम सारे आलू को काट कर रख लेंगे। इसे आपको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला काटना है। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो ये सारे फ्रेंच फ्राइज हमने काट लिए हैं, अब हम इसे बॉइल करेंगे। तो पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें बॉईल आ चुका है। तो हम इसमें ये कटे हुए आलू डालकर इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसे 2 मिनट हम पकाएंगे और पानी से छानकर निकाल लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट तक हमने इन आलुओं को अच्छे से पका लिया है। तो अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, एक छन्नी में हम इसे छानकर निकाल लेंगे। इसका सारा पानी हमने छानकर निकाल लिया है। तो अब हम इसे एक किचन टॉवल पर डालकर ड्राई कर लेंगे, इसे अच्छे से सुखा लेंगे। आलू को हमने किचन टॉवल से अच्छे से सुखा लिया है, तो हम फिर से इसे इसी स्ट्रेनर में डाल देंगे। आलू को मैंने दोबारा से स्ट्रेनर में डाल दिया है। तो अब हम इस पे ये कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करेंगे। तो इस तरह से हम इसे टॉस करेंगे और आलू को अच्छे से कॉर्नफ्लावर में डस्ट कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लावर में मैंने आलू को अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। तो सारे आलू हमें एक साथ फ्राई नहीं करने हैं, तो इस कढ़ाई में जितने आ सकेंगे पहले हम उतने फ्राई कर लेंगे और बाकी के बाद में करेंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे। ऑयल को पहले हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आलू को हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से इसका कलर होना चाहिए। आलू को हमने क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे फ्रेंच फ्राइज हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पे नमक स्प्रिंकल करेंगे। और ये ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च भी हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।